और दरवाजे की बेला है चल रे की करियो तैयारी। सुन के इतनी बात अबे सच बरा तक बढ़े अगारी चले भोले बाबा बच गए हिमाचल के द्वार पे भूतों की बारात लिए हुए। तो हिमाचल ने जब बारात की तरफ देखा भूतों की बारात ने हार करके हिमाचल के मन में एक घमंड हो गया और मन में एक बात सोच ले कि शंकर जी ने ये क्या कर दिया। हमने तो बारात की खातिरदारी को बहुत कुछ बनवाया है और जरा जरा से भूतों की बारात लेके चले आए इसे खाएगा कौन, ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हिमाचल के मन की भावना शंकर जी समझ गए और जो शुक्र शनिचर बच्चा बन के गए थे बारात में दोनों को इशारा दे दिया। दोनों मां भूख के मारे रोने लगे चिल्लाने लगे पूरी बारात में दोनों लोटत भरे भूख के माए मां। हिमाचल को गुस्सा आ गया, ये लड़के काय को शोर कर रहे हैं, कह रहे ना। बोले महाराज भूखे हैं। हाँ कोई भूखा नहीं है पूरी बारात में, ये दोनों ही ज्यादा भूखे। पड़ोसने वाले से बोले दोनों को ले जा खवा और नहीं खाए तो जबरदस्ती खवा। अब पड़ोसने वाला लेके गया, पहले दो दो पोड़ी पस्सी फिर चार चार फिर दस दस फिर बीस बीस अब गिने कांड रागे डरा लाए डाते भजदे लाए डाते भजदे। जब परेशान हो गया तो दोनों को हाथ पकड़ो और जोन से कमरा में भोजन रखो रहे बाई में ले जाए के बंद कर दे बाई तकबाल लगाए दे मरो और जाए में खाम पड़ोस नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद कमरा खोल के देखो हुआ उन्होंने कमरा में कछु नहीं छोड़ो कमरा पूरा खाली लेकिन भूखे माए भरी चिल्लाए रहे हैं। तब हिमाचल को ज्ञान होगा इसमें शंकर जी की कोई चाल है। दोनों हाथ जोड़ के बोले माफ करना शंकर जी, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, क्षमा करो और अपने ये लीला समेटो। बताया ये गया तुलसी के पत्ता दोनों को लाके दिए गए हैं, उन्हें बारात में भेजा गया। परिणाम ये होगा बारात की खातिरदारी को दोबारा भोजन बनवाया गया और दोबारा जब भोजन बना तो हिमाचल ने सबसे कहा देखो भैया क्षमा चाहिए कि थोड़ी कले हो गई घर में इसलिए भोजन नहीं करा पाए जल्दी, समय हो गया अब भोजन तैयार है आप सब लोग भोजन करने को चलो। और जो भूतों ने भोजन का नाम सुना हो करके भागे बड़ा देर हमें नंबर हुआ हो। अब सब लोग ये सोच रहे हैं ऐसी जगह बैठो जाए जब पड़ोस रे बाला सबसे पहले आए और बारात तो है ही शंकर जी की भूतों की ऐसी। तो हल्दी